प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण में इलाके के लोगों को आवास बनाने के लिए सरकार आवास दे रही है, लेकिन अगर आपके पास ज़मीन ही नहीं होगी तो आप आवास कहाँ से बनाएंगे, कुछ लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। यदि ज़मीन नहीं है तो क्या आवास योजना का लाभ मिलेगा, क्या आवास पास हो जाएगा, लिस्ट में हमारा नाम आएगा या नहीं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। आवास योजना से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। वैसे चैनल पर ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं हमने और इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ग्रामीण से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से निवास कर रहे हैं, आपके पास किसी भी प्रकार की ज़मीन नहीं है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए, इसमें खतौनी वगैरह लगानी पड़ती है। जब आपके पास जब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो आप ब्यौरा कहाँ से देंगे फॉर्म में आवेदन करते वक्त? तो आपका लिस्ट में नाम जाएगा ही नहीं, तो आपको आवास भी नहीं मिलेगा। ज़मीन होना ज़रूरी है। और फिलहाल अगर आपको मान लेते हैं ज़मीन नहीं है, आपका आवास आ गया, तो अब आप बनवाएंगे कहाँ पे आवास, ये भी बताइए, है ना। ज़मीन आपके पास होनी चाहिए और कहाँ ज़मीन होनी चाहिए ये भी बता दें। जिस ग्राम पंचायत से आप हैं, जिस गांव से आप हैं, उसी गांव के अंदर वो ज़मीन होनी चाहिए तो ही आपको आवास मिलेगा। अन्यथा आप सोच रहे हैं कि हम आवास के लिए फॉर्म भर दें और हम अपने गांव, मतलब आप दूसरे गांव से हैं और दूसरे ज़िले में घर बनाना चाहते हैं या दूसरे गाँव में घर बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। फ़ोटो वगैरह भी खींच के जाती है, दो बार तीन बार जितनी बार पैसा आएगा सरकार की तरफ से किस्त में, तीन किस्त में, तो एक किस्त जब आ जाएगी तो जितना कंप्लीट हुआ रहेगा उसको फ़ोटो खींच के भेजना पड़ेगा, तो उसके बाद दूसरी किस्त आएगी, फिर आप फ़ोटो खींच के भेजेंगे बनवाने के बाद, फिर उसके बाद तीसरी किस्त आती है। इस तरीके से ये नहीं है कि सरकार ने पैसा दे दिया, आपने घर नहीं बनवाया, दूसरे काम में लगा लिया, तो आप पहली किस्त तो पा जाएंगे, दूसरी तीसरी किस्त मिलेगी ही नहीं आपको, ठीक है। तो इसलिए ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फॉर्म भी आपको दिखाया है। फॉर्म भरने का तरीके की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है, सुबह में जा करके देख लीजिएगा चैनल पर। अब इसमें भी लिखा गया है कि इतनी आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, यानी कि 25 वर्ग मीटर की दूरी में आपको आवास बनाना होगा। और इसी के साथ इसमें प्रस्तावित ज़मीन का ब्यौरा आपको देना पड़ेगा, भूमि संबंधी लेखपाल की रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी, घरौनी लगानी पड़ेगी। तो ये सब कैसे लगाएंगे आप? अगर आपके पास ज़मीन है ही नहीं तो लगाएंगे कहाँ से? और लगाएंगे नहीं तो फॉर्म भराएगा नहीं, फॉर्म नहीं भराएगा तो लिस्ट में नाम आगे कैसे जाएगा और कैसे आवास मिलेगा? इसलिए आवास नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। किसी भी तरीके से ज़मीन लीजिए और उसके बाद ही आपको आवास मिल सकता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सवाल हो तो जल्दी से कमेंट करें। थैंक